एनआई न्यूज में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आइए सुनते हैं सुर्खियां। हुकूमत किसानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। मैं हुसैन सागर झील के पास 5 मिनट नहीं ठहर सका, चीफ जस्टिस तेलंगाना। दुल्हे की दादी पानी में बह गई और रुक गई शादी। बाप की कार के नीचे आकर शीरखोर बेटा हलाक। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में शराब की गैर कानूनी मुंतकली। और बच्चों की भरपूर नींद उन्हें मोटापे से बचाती है। सुनते हैं तफसीलात। मरकजी हुकूमत के जरिए बनाए गए तीनों काले ज़रई कानून को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी ऐलान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के सदर निज़ामुद्दीन खान ने कहा कि तीनों ज़रई काले कवानीन के खिलाफ 1 साल से ज़ायद अरसे से जारी किसानों की ज़बरदस्त तहरीक ने मोदी हुकूमत को मुल्क के किसानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह किसानों ने जंग का पहला मरहला जीत लिया और ये तहरीक मुल्क और रियासत में सच्चाई, आदम तशद्दुद और जमहूरियत को जिंदा करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने पसमानदा तबकात, दलितों, मुसलमानों, सिखों और आदिवासियों, किसानों, मजदूरों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुत्तहिद करके जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ज़रई पैदावार की कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP पर कानून बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी होगी। किसान तहरीक की कामयाबी के लिए मुल्क और रियासत की तमाम किसानों को मुबारकबाद देते हुए SDPI रियासती सदर ने तहरीक की क़यादत के लिए मुत्तहिदा किसान मोर्चा का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हुसैन सागर की हालत इज़हार पर अफसोस का इजहार किया और आवाम से ख्वाहिश की कि शहर की सफाई की बरकरारी और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि जब वो हैदराबाद आ रहे थे तो उनसे कहा गया कि इस शहर में एक खूबसूरत झील हुसैन सागर है। उन्होंने अपने ड्राइवर से बात की कि वो हुसैन सागर देखना चाहते हैं, जिसके बाद उनके ड्राइवर उनको हुसैन सागर ले गए। ताहम वो वहाँ पहुँचने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा भी ना ठहर सके। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमने हमारे माहौलियात के साथ ऐसा कुछ किया है। उन्होंने कहा कि जब वो हाईकोर्ट को पहुँचे तो पूछा कि हाईकोर्ट के करीब ये नाला कैसा है, जिस पर उनसे कहा गया कि ये नाला नहीं बल्कि मूसा नदी है। उसको देखकर वो सकते से दोचार हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपील की कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और जो कुछ भी माहौलियात की बेहतरी के लिए हो सके ज़रूर करें। रियासत आंध्र प्रदेश में सैलाब का कहर जारी है। इस दौरान एक शादी इस वक्त रुक गई जब दूल्हे की दादी के अलावा शादी के अखराजात के लिए रखे 30 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात बह गए। ये हादसा जिले चित्तूर में पेश आया। मौजे चित्तूर में अमरनाथ नामी नौजवान की शादी इतवार को मुकर्रर थी। ज़िले में ज़बरदस्त बारिश हुई जिसकी वजह से सैलाब के पानी में दूल्हे की दादी 75 साल सावित्री माँ और उसके साथ 30 लाख रुपये नकद रकम और तिलाई जेवरात बह गए। हैदराबाद में बाप की कार के नीचे आकर शीरखोर बेटा हलाक हो गया। ये हादसा शहर के मजाफाती इलाके मंसूराबाद में पेश आया। लक्ष्मण नामी शख्स एक अपार्टमेंट में वॉचमैन के तौर पर काम किया करता है। आज वह एक कार को धोने के बाद इसे अपार्टमेंट में रखने के लिए ले जा रहा था कि इसका 1.5 साल बेटा अचानक कार के सामने आ गया और टक्कर लगने से उसकी मौत वाक़े हो गई। तेलंगाना के नलगुंडे ज़िले में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में शराब की गैरकानूनी मुंतकली में मदद करने के इल्ज़ाम में एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले नलगुंडे के वाड़ेपल्ली पुलिस स्टेशन के पेट्रोलिंग गाड़ी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें श्रावण कुमार नामी कांस्टेबल शराब के कार्टून आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर रहा था। इस केस की तहकीकात करते हुए आला अहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि शराब की मुंतकली सब इंस्पेक्टर की मदद से ही हुई थी, इसलिए वो भी इस मामले में मुलविस था। अमरीकी साइंसदानों का कहना है कि लंबी और भरपूर नींद लेने वाले बच्चों के लिए बाद की उम्र में मोटापे का खतरा भी कम होता है। ऑनलाइन रिसर्च जर्नल स्लीप में शाये होने वाले रिपोर्ट के मुताबिक माहरीन ने मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में 2016 से 2018 के दरमियान पैदा होने वाले 298 बच्चों को इस मुताले के लिए रजिस्टर किया।
बच्चों में सोने जागने के औकात पर नजर रखने के लिए इन्हें एक हल्की फुल्की स्मार्ट घड़ियां पहनाई गई, जबकि उनके वालदेन से कहा गया कि वो भी इन बच्चों के खाने पीने और सोने जागने रोजमर्रा मामूलात की डायरी मुरतब करें। इस दौरान देखा गया कि जिन बच्चों ने शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के दरमियान सुकून की नींद ली, आइंदा 2-3 साल में इनका वजन मामूल के करीब रहा। माहिरीन को यह भी मालूम हुआ, शाम से सुबह तक के इन मखसूस औकात में हर 1 घंटे की इजाफी नींद के नतीजे में शीरखार बच्चों के लिए मोटापे का इम्कान 26% कम हुआ है। इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे थे चाहतों की सौगात अलबे। कुछ घरों की चाय में अपनेपन का जायका होता है। अलबे, जायका अपनेपन का।